हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारे इंटेलिजेंस की क्लास चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली है। थोड़ा लेंथी चैप्टर हो गया है, काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स, थ्योरीज, फैक्टर्स हैं जो हमने इससे पहले वाली क्लासेस में, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस सारी, तो उसके अंदर हमने डिस्कस की हुई हैं। काफ़ी अच्छे तरह से ब्रीफली हमने पढ़ लिया है और हमने साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी हम साथ के साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें मैं आपके साथ 10-10 क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। तो वो भी आपको क्या है, आप थ्योरेटिकल भी पढ़ लेंगे और पॉइंट्स में भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से रिविज़न हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम पर ना आपको वो थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ वो की पॉइंट्स देख लेंगे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वाले, तो भी आपका काम हो जाएगा एग्ज़ाम टाइम पे। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अब टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए गए थे कि कितने टाइप के इंटेलिजेंस हैं और टेस्ट इस क्या है। हम इंटेलिजेंस यानी कि आईक्यू लेवल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो आईक्यू लेवल निकालने के लिए जो टेस्ट किए गए थे ना, जो परीक्षण किए गए थे हमारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, तो वो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स, कौन कौन से परीक्षण यहाँ पे की गई थी इंटेलिजेंस पे। सबसे पहले दो टाइप के परीक्षण किए थे, दो टाइप के, एक तो हो गया हमारा इंडिविजुअल, एक हो गया ग्रुप। इंडिविजुअल हो गया आपका व्यक्तिगत और ग्रुप हो गया आपका समूह। अब आपको इससे पता ही चल रहा होगा, इंडिविजुअल यानी कि पर्सन टू पर्सन, सिर्फ एक मैं और एक सामने बैठा है वो, ठीक है, दो पर्सन के बीच की बात है। तो मतलब व्यक्तिगत रूप से जब हम टेस्ट करते हैं तो एक के सामने एक बच्चे का, हम इंडिविजुअली करते हैं सबका, कि अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो मुझे सबका 10ों का अलग अलग टेस्ट करना है, इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है, एक का पहले किया, फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ऐसे ऐसे करके करना है। और ग्रुप वाले के अंदर हम कैसे टेस्ट करेंगे, एक ग्रुप मेंटेन कर लेंगे, 5 बच्चों का ग्रुप एक हो गया, 5 बच्चों का ग्रुप एक हो गया, तो 5 बच्चों का हमने एक साथ टेस्ट कर लिया, उनसे सिमिलर क्वेश्चन पूछ लिए, उनका आईक्यू लेवल सेट कर लिया, 5 का कुछ और पूछ लिया, उनका आईक्यू लेवल सेट कर लिया, ठीक है। तो दो टाइप से हम बच्चों के टेस्टेस, इंटेलिजेंस टेस्टेस कर सकते हैं, एक इंडिविजुअली, एक ग्रुप वाइज, ठीक है। इसके अलग भी हम एक इसको कर सकते हैं, वो होता है वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल एक वर्बल हो गया यानी कि शाब्दिक, और एक हो गया आपका नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक। अब शाब्दिक के अंदर आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, देखिए वर्बल में क्या होता है कि आप वहां पे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, एक आदि युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उसमें लिखित भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपके लिए शाब्दिक रूप, वर्बल रूप, और नॉन वर्बल हो गया आपका, हाँ सॉरी, नॉन वर्बल हो गया जो जैसे चित्रों का यूज़ करके, जैसे आप मैप्स बच्चों को दिखा सकते हैं, उनकी नॉलेज ले सकते हैं कि देखिए ये मैप है बच्चे, तो इसमें भारत का नक्शा कहाँ है, तो वो आपको बताएंगे, उनका इंटेलिजेंस लेवल आपको पता चल जाएगा कि मैंने पढ़ाया था तो बच्चों को लर्न है कि नहीं लर्न, उनका माइंड लेवल कितना है, उनका प्री आईक्यू लेवल टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। आप उनको कोई ऑब्जेक्ट्स दिखा के पूछ सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, ये क्या है, केमिकल, जब आप साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उनको केमिस्ट्री लैब वगैरह में लेके जाते हैं, वहाँ पे केमिकल्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वो क्या हो गया आपका, वो नॉन वर्बल टेस्ट हो गया, उसके अंदर आप चित्रों का, ऑब्जेक्ट्स का, मैप्स वगैरह का, इन सब का प्रयोग करके बच्चों का आईक्यू लेवल इंटेलिजेंट टेस्ट करते हैं। और शाब्दिक में हो गया कि आप शब्दों का प्रयोग करके, वाक्यों का प्रयोग करके, इन सब के प्रयोग द्वारा बच्चों का आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंट टेस्ट करते हैं। अब एक चीज़ जो हमारा वर्बल है, वर्बल के अंदर एक हमारा टेस्ट है जो बहुत फेमस है शाब्दिक के अंदर, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में है, जो हमारा बीने साइमन का परीक्षण है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरा ही समझना है कि इसमें क्या बोला गया है, वो मैं अभी आपको डिटेल में समझा देती हूँ। देखिए
जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस के अंदर जो हमारा टेस्ट है वो बीने साइमन इंटेलिजेंट टेस्ट है। एग्ज़ाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है, बीने साइमन परीक्षण यानी कि बीने साइमन टेस्ट क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इस वर्बल में है आपका, शाब्दिक रूप से रखा गया है इसमें। इसमें क्या गया है, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर 1905 में ये टेस्ट आया था, ठीक है। किसने दिया था? ये हमारा 1905 में हमारा ये आया था, जो बीने साइमन टेस्ट दिया गया था 1905 में दिया गया था। और ये किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बीने, ठीक है, इन्होंने दिया था। इसके बाद 1905 में देने के बाद 1908 में और 1911 में इसके टेस्ट के अंदर दो संशोधन किए गए थे। 1908 में और 1911 के अंदर इसके अंदर दो संशोधन किए गए थे। अब उसके अंदर क्या संशोधन किए गए थे वो भी बात करते हैं। सबसे पहली पॉइंट तो आपको ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया कि अल्फ्रेड बीने के द्वारा जो टेस्ट दिया गया था इंटेलिजेंस का, उसके अंदर कब संशोधन किया गया? 1908 और 1911 आपको याद रखना है। 1905 में प्रॉपरली इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया था, बनाया गया था। बाद में इसके अंदर कुछ क्वेरीज आई थी, कोई एरर्स आए थे, उनको संशोधन करके 1908 और 1911 में इसको रीपब्लिश किया था, ठीक है। अल्फ्रेड बीने ने दिया गया था। इसके अंदर 30 पैनल्स रखे गए थे, जिसके अंदर एक से लेके 15 साल तक के बच्चों के ऊपर बात रखी गई थी। तीस पैनल सेट किए गए थे इस साइमन परीक्षण टेस्ट के अंदर। 3 साल से 15 साल तक के बच्चों के ऊपर जो पैनल सेट किए गए थे वो रखे थे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 3 से 15 साल तक के बच्चे के बारे में क्या पॉइंट रखे थे, क्या बात बोली थी। जो 30 पैनल सेट किए गए थे उसके अंदर 3 से 15 साल तक के बच्चों के पैनल के बारे में क्या बात बोला था आपके बीने साइमन परीक्षण के द्वारा बीने जी ने, ओके। सबसे पहला है हमारा 3 साल का बच्चा, मैंने आपको बताया था अभी 3 से 15 साल तक के पैनल सेट किए गए थे, जो 30 पैनल सेट किए गए थे यानी कि 1 से 30 तक। लेकिन जो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी साइकोलॉजी के लिए और बीने साइमन परीक्षण के लिए जिसको इम्पॉर्टेंस दी गई थी, वो आपकी 3 से 15 साल तक के बच्चों के ऊपर जो पैनल सेट थे वो दी गई थी। तो सबसे पहले 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है वो बात रखी थी बीने जी ने। क्या कर सकता है? 2 अंकों को दोहरा सकता है, चित्रों को गिन सकता है, कान नाक मुंह की ओर इशारा कर सकता है, परिवार के नाम बता सकता है, शब्दों को दोहरा सकता है। ये सारे की पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कि 2-3 या फिर मैं लिख ही देती हूँ आपके लिए। दो अंकों को दोहरा सकता है, मतलब 2 अंक है, जैसे आपको आप बच्चों को इस उम्र में टेबल लर्न करवा सकते हैं, क ख ग म च प ये सारे ट वर्ग च वर्ग ये सब पढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकता है इसमें? चित्रों को पहचान सकता है, चित्रों को पहचान सकता है, उनको गिन सकता है। इस एज में 3 साल का बच्चा क्या कर सकता है? आप उनको ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे, उनको पहचान सकता है कि ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है, ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का है। और आप ऐसे 15-20 ऑब्जेक्ट्स रख देंगे तो वो काउंट कर सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5 कितने ऑब्जेक्ट्स टोटल यहाँ पे अवेलेबल हैं उसके सामने, ठीक है। उसके बाद कान मुँह, मतलब जो अपने शारीरिक अंग हैं, अपने जो फिजिकल पॉइंट्स हैं हमारे तरफ हैं, उनकी ओर इशारा करके बता सकता है कि नोज़ कौन सी है, ईयर्स कौन से हैं, लिप्स कौन से हैं, टित कौन से हैं, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चा आपको बता सकता है। उसके बाद परिवार के नाम बता सकता है,
परिवार के नाम बता सकता है, कौन मॉम है, कौन डैड है, कौन चाचा है, कौन मामा है, ये सारी चीज़ें बच्चा आपको बता सकता है। शब्दों को दोहरा सकता है, अगर आप बच्चे को बताना चाहते हैं पापा बोलिए, मामा बोलिए, तो उनको रिपीट कर सकता है। आप उनको कोई वर्ड सिखाना चाहते हैं कि एप्पल बोलिए, तो एप्पल एप्पल बोल सकता है बार बार, ठीक है। तो इस उम्र में क्या करते हैं बच्चे, ये सारी चीज़ें करना सीख जाते हैं। उसके बाद आता है 4 साल का बच्चा, सेकेंड पॉइंट आ गया 4 ईयर्स। अब 4 साल का बच्चा क्या कर सकता है, लोहे की वस्तुओं के नाम बता सकता है, चार साल का बच्चा जैसे लोहे की वस्तुओं के नाम बता सकता है, जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनको डिवाइड कर सकता है, उनको बता सकता है कि कौन सी चीज़ प्लास्टिक की है, कौन सी आयरन की है, कौन सी विजिबल है, कौन सी इनविजिबल है, उनमें क्या डिफरेंशिएट कर सकता है। उसके बाद आता है कि अपना लिंग बता सकता है, यानी कि अपना जेंडर और सेक्सुअल बता सकता है कि मैं किस जेंडर का हूँ, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, क्या हूँ मैं, ठीक है, अपना लिंग बता सकता है। उसके बाद आता है 3 अंकों को दोहराना, अब इसमें बच्चा क्या है 3 अंकों को दोहरा सकता है, मतलब अब आप उसको जो 111 वो ये वाली टेबल होती है ना 3 अंकों वाली, 101, 102, 103, 100 से ऊपर की, 101, 102, 103, 3 अंकों की आंकड़े गिन सकता है, समझ सकता है, उनको दोहरा सकता है, उनको लर्न कर सकता है, ये वाली एबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। वो बाकी एलिमेंट्स में डिफरेंट करना सीख जाता है, अपना जेंडर बता देता है, उसके बाद 2 पंक्तियों की तुलना कर सकता है, दो पंक्तियों की तुलना वो किस रूप में कर सकता है, आप उनको कोई 2 ऑब्जेक्ट्स दे दीजिए तो उनमें डिफरेंशिएट करके बता सकता है कि एप्पल कौन सा है, आम कौन सा है, और आप उसको कुछ और दे दीजिए कि ये वाली मैथ्स की बुक है, ये साइंस की बुक है, उसके बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है, वो दोनों को वो साइंस की बुक या दोनों को मैथ्स की बुक नहीं बोलेगा। जो 4 साल के बच्चे की एबिलिटी होती है वही उसमें 5 साल में थोड़ी और इंक्रीज़ हो जाती है, 6 में और इंक्रीज़ हो जाती है, 7 में और इंक्रीज़ हो जाती है, 8 साल के बच्चे में और कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो इसके बाद 8 साल का बच्चा, अब बात आती है 8 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट की, 8 साल का बच्चा क्या कर सकता है, 5 अंकों को दोहरा सकता है। अब वो क्या है, 5 अंकों की किसी भी श्रेणी को दोहरा सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके वो एक सीक्वेंस जो दे दें कि आप उनको 5 अंकों के वो दोहरा सकता है, या कोई ऐसा 5 वर्णों का वाक्य बता दीजिए उसको, वो उसको बोल सकता है, जैसे स्टार्टिंग में होता है ना बच्चा का खा का बोलता है, फिर राम आ चा बोल देता है, फिर राम बोल लेता है, फिर राम कहाँ गया ये पूरा बोल लेता है, तो ऐसे क्या है उसके भाषागत उसमें भी वर्बल में भी विकास होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है। चित्रों से गायब चीज़ों को पहचान सकता है, आपने वो वाली इमेजेस खुद भी खेली होगी और आज भी आप देखते होंगे न्यूज़पेपर्स में होता है, या मिसिंग पिक्चर्स होती है ना वो जोड़ने वाली, कि एक इस टाइप का बॉक्स होता है इसके अंदर कैट बनी होती है तो वो उल्टी सीधे जुड़े होते हैं, उसकी आँख यहाँ है, नाक यहाँ है, कान क्या है, तो उसको सीक्वेंस में जोड़ना होता है कि उसकी आँख यहाँ आएगी, कान यहाँ आएंगे, नाक यहाँ आएगी, लिप्स यहाँ आएंगे, ऐसे करके जोड़ना होता है। तो बच्चा चित्रों में से जो गायब चीज़ें होती है ना कि एक कान जुड़ गया एक नहीं जुड़ा, तो उसको ढूंढता है कि दूसरा कान कहाँ गया, उसको जोड़ दिया, तो वो सारी चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर देता है। 8 साल का बच्चा दिन और तिथि यानी कि डेट और टाइम बता देता है कि आज क्या दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेनसडे है, ये सारे डेज उसे याद रहते हैं, डेट्स पता होती हैं कि कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, कितना टाइम हुआ है, वो टाइम भी देखना जान लेता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे 8 साल के बच्चे के अंदर एबिलिटी आ जाती है। जो अब आता है हमारा वो है 12 ईयर्स स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जो 12 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या एबिलिटी डेवलप्ड हो जाती है बीने के द्वारा,
उनके अंदर अस्त व्यस्त वाक्यों को पहचानता है, मतलब जो डिसबैलेंस डिसमैनेज सेंटेंसेस होते हैं ना, कोई चीज़ कहीं लिख दी, कोई चीज़ जो एरर वाली सिक्वेशंस होती हैं, एरर वाले सेंटेंसेस होते हैं कि आपको इस आरएम सही जगह पर लगाना है और आपको फॉर्म ठीक तरह से मैनेज करनी है, वर्ब की फॉर्म, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें बच्चा सीख जाता है कि वर्ब क्या होती है और बाकी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें सीख जाता है, उनको सही जगह पे सेंटेंस को मेंटेन करना सीख जाता है, कहाँ पे सब्जेक्ट आना है, कहाँ वर्ब आनी है, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी, कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज़ होंगे, तो वो सारी चीज़ें वो बच्चा उसमें सीख जाता है 12 साल की उम्र में। 3 मिनट में 7 शब्दों को गिनना, पहचानना, बोलना आ जाता है। अगर अभी मैं बच्चे से, 12 साल का बच्चे के अंदर इतनी मेंटल एबिलिटी, इतनी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है कि अगर आप उनको बोले कि 3 मिनट के अंदर मुझे 50 शब्द बोलो, कोई भी, एनीथिंग, कुछ भी, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो कुछ भी बोल देगा, मम्मी, चाचा, मामी, बर्तन, कॉपी, पेंसिल, ये वो, कुछ भी बोल देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे कम एज वाले बच्चे को बोलोगे तो वो 3 मिनट में इतने वर्ड्स नहीं बोल पाएगा, क्योंकि 1-2 वर्ड जो उसके आसपास से रिलेटेड हैं, जो उन्हें देख रहा है, जैसे आप सामने खड़े हैं तो आपका नाम ले देगा कि मम्मी है, टीचर है, बस 2-3 चीज़ें बताएगा, बाकी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस लेवल इतना इंक्रीज नहीं हुआ होता। फिर इसमें अमूर्त चीज़ों को परिभाषित करना सीख जाता है, जो ऑब्जेक्ट्स उसके सामने अवेलेबल भी नहीं होते ना, लेकिन उनको बच्चे को, 12 साल के बच्चे को ये पता होता है कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या। आप देखिए यहाँ पे क्लासरूम में ये वाला ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, बोर्ड है, मैं हूँ, ठीक है। अगर मैं बच्चे को बोलूं, 12 साल के बच्चों को, कि ताजमहल के बारे में बताओ, अब क्लास रूम में कहीं ताजमहल तो है नहीं, तो बच्चा क्या है, उसको पता है कि वो जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है हमारी, उसके अकॉर्डिंग, लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपनी वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में सूचना प्राप्त करता है कि हाँ, उसके माइंड में वो चीज़ें पहले से सेट होती है, उसने पढ़ी होती है, समझी होती है कि हाँ, ताजमहल इस कलर का होता है, उसको इसने बनवाया था, वो कहाँ पर है, कि वो आगरा में है, वाइट कलर का है, शाहजहाँ ने बनवाया, क्यों बनवाया, उसके बारे में वो बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर छोटे बच्चे को आप बोलेंगे कि ताजमहल के बारे में बताओ, तो वो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो कंक्रीट रूप में, यानी कि मूर्त रूप में उसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है। तो छोटे बच्चे क्या है, कोई भी चीज़ को देख के उसके बारे में बता सकते हैं कि ये पेन के बारे में बताओ, तो ये वाइट कलर का है, ब्लैक लिखता है, ऐसे बता सकते हैं, ओके। तो 12 साल के बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो आपको एब्स्ट्रैक्ट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी आपको सूचनाएं दे सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट आता है हमारा 15 इयर्स का बच्चा। 15 साल तक की बात करी थी ना, तो लास्ट हमारा आता है 15 साल तक के बच्चे के अंदर कितना इंटेलिजेंस लेवल उसका इंक्रीज हो जाता है। तो वो 7 अंकों को दोहरा लेता है, जैसे मैंने आपको बताया था, 2-3 अंक दोहरा लेता है, अब उसकी मेंटल एबिलिटी और इंक्रीज़ हो जाती है, वो 7 पूरे वाक्यों को, पूरे सेंटेंसेस को बोल सकता है, समझ। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा चित्रों की व्याख्या करना। इसके अंदर बच्चों को आप कोई भी इमेजेस, मैप्स और ये सब चीज़ें दिखाएंगे ना 15 साल के बच्चे को, तो वो ईजीली उसको एक्सप्लेन कर सकता है, उसके बारे में अपनी लॉजिकल थिंकिंग रख सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है कि हाँ, मेरा क्या विचारधाराएँ हैं, अपनी बातें बोल सकता है। अगर मैं बुक, फॉर एग्जांपल, बुक दिखा दूँ किसी बच्चे को कि इसके बारे में चलो बताओ, हो सकता है इस बुक की सेम चीज़ है, बुक के बारे में कोई बच्चा कुछ बताए कि मैम इसकी शेप ऐसी है, इसका कलर ऐसा है, कोई और इसका नाम बताए, या इसकी शेप और कलर को छोड़ के इसका नाम बताए, इसके बारे में बताए कि इसके राइटर्स ये हैं, ये बुक इस पे डिपेंड है, ये चीज़, तो वो क्या है, सब दोनों का क्या था, सोचने का और देखने का तरीका अलग अलग था, ज़रिया अलग अलग था, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो मैंने उनको एक ही दिखाया ना, तो इसीलिए बच्चे अपने अकॉर्डिंग चित्रों की व्याख्या कर सकते हैं अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करके। उसके बाद आता है 20 तक के अक्षरों की व्याख्या को दोहराना, मतलब अगर आप उनको प्रॉपर वाक्य और एक पंक्तियाँ दे देते हैं, एक कवि दे देते हैं कि चलिए मेरे पीछे रिपीट करिए, या 15 साल के बच्चे में इतनी एबिलिटी हो जाती है कि वो खुद भी ये सारी चीज़ें क्या है, लिख सकता है, ठीक है। तो बाकी सारे बच्चे पैराग्राफ और ये सब चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट आता है हमारा तथ्यों की व्याख्या करना, ऐसे कॉन्सेप्ट्स बच्चों के सामने अगर हम बोलें कि मुझे, चलिए फॉर एग्जांपल, प्लस का कोई एक एग्जांपल दीजिए,
प्लस कॉन्सेप्ट का कोई एक एग्जांपल दीजिए, तो कोई भी बच्चा आपको बता सकता है मैम 5 + 2 = 7 प्लस का कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई का 5 × 2 = 10 मैम मल्टीप्लाई है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट भी बच्चे आपको इजीली बता सकते हैं, ठीक है। उनके लिए आपको ब्लैक बोर्ड पेन और इन सब चीज़ों का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को उस टाइम पे इतनी मेंटल और इंटेलिजेंस लेवल उनका इंक्रीज़ हो जाता है कि वो सारी चीज़ें पढ़ पढ़ के पहली क्लास से लेके 8वीं तक और 6ठी 7वीं तक ये सारी चीज़ें उतनी स्ट्रांग हो जाती हैं ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों के, कि वो आपको बहुत इजीली उनके एग्जांपल्स दे सकते हैं, उनको अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप बच्चों से पूछें कि चलिए मुझे कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें आप प्लस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो बच्चे वहाँ पे भी आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि मैम कल मैं एक पेन ख़रीदने गया, शॉप पे गया, तो शॉपकीपर से मैंने 2 चीज़ें ली, एक पेंसिल ली एक पेन लिया, ठीक है, पेन था 10 रुपीज़ का और पेंसिल थी 15 रुपीज़ की, तो वहाँ पे वो बता सकता है कि मैम वहाँ पे प्लस करके मैंने अमाउंट कितना दिया, 10 + 15 = 25 रुपीज़ मैंने वहाँ पे किए। तो वहाँ पे वो वाला एग्जांपल किससे हुआ, उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड था, तो उसने वो वाला कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे प्लस का यूज़ किया, ठीक है। तो तथ्यों की व्याख्या भी बच्चे कर सकते हैं इस एज पर आके 15 ईयर्स में, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखने वाली है इसके अंदर, जो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया है, कि जो बीने साइमन परीक्षण था उसमें उन्होंने 3 से 15 साल तक के बच्चों के बारे में एबिलिटीज़ बताई थी कि इतने साल से इतने साल तक के बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल कितना हो जाता है। और आपसे क्वेश्चंस में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तथ्यों की व्याख्या, मतलब कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करना या क्लियर करना बच्चे की किस एज में इतनी एबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है, तो आपको ऑप्शंस में 15 ईयर्स मिल सकता है कि बच्चा 15 साल में ये सारी चीज़ें सीख जाता है। तो आपको ये भी लर्न करना है कि किस एज पे बच्चे की कितनी एबिलिटी हो जाती है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो बार बार भी देख सकते हैं आप इसको पॉज करके, और जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हैं कि आप नोट कर सके, ठीक है, वरना मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकती थी, बट मैंने लिख दिए आपको सामने ताकि आपको इजीली उनको नोट करके बाद में आप उनको रिवाइज कर सकें। तो इसके साथ इंटेलिजेंस का भी ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और बाकी और वीडियोज़ देखने के लिए, मुझे इनक्रेज करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए भी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए प्लीज़, और आपको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और जो KVS का टेक्निकल पार्ट, PGT का, कंप्यूटर साइंस का है, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए उसके लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक और नंबर दिया गया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।